मध्य प्रदेश की धरती से उठा तूफान अभी सपा और कांग्रेस के बीच किसी भी तरह से थमा ही था कि अब पोस्टर की वजह से एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें सपा के मुखिया को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद बीजेपी को इंडिया गठबंधन पर फिर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। अट्ठाईस दलों वाले इंडिया गठबंधन पर सवाल शुरू से उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त को लेकर इस गठबंधन में हर दल के अगुआ को कमोबेश उनके समर्थक पीएम कैंडिडेट से कम नहीं आंकते हैं। इसी को लेकर इस गठबंधन के विरोधी खासकर बीजेपी इस इंडिया अलायंस पर सवाल उठाती है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को ज्यादा जोगी मठ उजाड़ बताती है। अब इसका एक और जीता जागता सबूत लखनऊ से सामने आया है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए, ये फखरुल हसन चांद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इन्होंने ये पोस्टर लगाया है और देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लेकिन इन सब में अगर बात करें तो जो देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को दिखाने का ये जो प्रयास किया गया है, इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भावी प्रधानमंत्री के तौर पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। बदला है यूपी बदलेंगे देश के नारे में लोकसभा चुनाव की झलक साफ दिखती है। होर्डिंग में अखिलेश यादव के कार्यकाल की भी तारीफ की गई है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी और घोसी में भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर से हरा के इस बात को दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को समाजवादी पार्टी रोक सकती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हम उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं तो पूरे देश में समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन के हमारे जो साथी हैं, हम उनसे भी इस बात को कहना चाहते हैं कि अभी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को आगे करके प्रधानमंत्री का चेहरा बना के इस चुनाव को लड़ा जाएगा तो निसंदेह उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने का काम करेगी। अखिलेश वेट करते हैं या राहुल गांधी, पोस्टर के बाद होता है क्या, देखना होगा। लेकिन लखनऊ में सपा की तरफ से लगाए गए पोस्टर ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा के पोस्टर को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं कोई किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्षमता, अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। हैरत इस बात की है कि इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच कलह जैसे तैसे अभी खत्म ही हुई थी कि अब अखिलेश को पीएम कैंडिडेट बताने वाला पोस्टर सामने आ गया। सवाल ये है कि अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन के दलों की महत्वाकांक्षाएं टकराती रही तो अलायंस का हश्र क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।